गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिकी ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं वीकेंड के वार के सेकंड एपिसोड की। बिग बॉस में नए साल का जो वीकेंड का वार रहा वो एक्चुअली घर वालों के लिए बहुत ज्यादा सदमे वाला रहा। घर में हंसी खुशी के माहौल होने की बजाय दुख का माहौल हो गया, लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया, क्योंकि सलमान खान ने लगाई अली गुनी, जैस्मीन और रुबीना को खूब जम के डांट। दूसरा दिन भी हमें लगा थोड़ा लाइट वाला रहेगा, लाइट मोड में रहेगा, लेकिन दूसरा दिन उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि बिग बॉस में हमने देखा है जब जब सलमान किसी को कुछ कहते हैं वो लोग आपस में ही झगड़ा करने लग पड़ते हैं और चीजों को और ज्यादा वर्स्ट कर देते हैं। तो हुआ ऐसे ही वीकेंड के फर्स्ट वार पे हमने देखा कि सलमान ने जिस तरीके से अली, जैस्मीन और रुबीना को डांटा था उसका असर कुछ उल्टा ही हो गया। पहले तो लड़ाई हुई रुबीना और अर्शी खान की, और इनकी लड़ाई के बीच में विकास कूद पड़े, विकास के साथ अली कूद पड़े। अली और विकास के लड़ाई में जो चीजें सामने निकल के आई वो बहुत ज्यादा वर्स्ट थी, और कहीं ना कहीं विकास गुप्ता के इमेज को बहुत ज्यादा गंदा साबित कर देती थी। हालांकि हम देखते हैं विकास गुप्ता की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा पब्लिकली खराब है। लोगों का काम छीनते हैं, लड़कों को कुंभरों के लिए बोलते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, काम के लिए ब्लैकमेल करते हैं, तो वो चीजें उसकी जो सामने है हम ऑडियंस को भी शायद कहीं ना कहीं ये हिंट मिल जाता है बिग बॉस में जब लोग बात करते हैं तो उस इमेज को शरे आम बदनाम करना कितना ज्यादा सही था अली गुनी का। तो ये चीज जो मुद्दा उठ के आते हैं, एक एक मुद्दे, रोटी के ऊपर जो लड़ाई होती है, या फिर राखी खान को टारगेट, राखी सावंत को टारगेट किया जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं सलमान खान ने लोगों को बहुत ईमानदारी से, प्यार से समझाने की कोशिश की। लेकिन कई बार होता है कि राखी सावंत की चीजें जो होती हैं लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। घर के सदस्य जो राखी सावंत को इरिटेट कर रहे थे, जो कि वीडियो दिखाया सलमान ने, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। और मुझे लगता है कि घर वालों को अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि लोगों को टारगेट नहीं करना होता है, अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है, और आप अपनी इतनी गंदी पर्सनैलिटी तो कभी भी नहीं दिखाना चाहोगे। जिस तरीके से राखी को टारगेट किया जा रहा था, तो सलमान ने सेम चीज एक्चुअली जैस्मीन से रिपीट कही कि तुम ये घर में क्या कर रही हो, जिस तरीके से तुम घर में इरिटेट करती हो, तुम्हारी जो इमेज है कलर्स के ऊपर या फिर तुम्हारी जो बाहरी इमेज है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है, उसको दबे शब्दों में उसने कहने की कोशिश की। अब जैस्मीन इस चीज को कितना समझती है ये तो जैस्मीन ही बता सकती है, लेकिन अली गुनी जो कि जैस्मीन के चीजों में तो एकदम कूद के पड़ते हैं, लेकिन बाकी घर में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो वो बहुत शांत रहते हैं, उल्टा वो गलत करने के हक में भी होते हैं। तो वहां पे अली गुनी को भी बहुत ज्यादा डांट पड़ी, क्योंकि अली गुनी ही है जो मास्टरमाइंड है, सबको लड़ाते हैं। और जिस तरीके से राहुल वैद्य को जमूरा कहा सलमान ने, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आया कि अली गुनी और राहुल वैद्य जो अपने आप को सो कॉल्ड दोस्त कहते हैं, वो दोस्त ना होके एक दूसरे के जमूरे बने हुए हैं। खासकर राहुल वैद्य जो हैं वो तो वाकई ही अली के जमूरे लगते हैं, दोस्त कम लगते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें वर्स्ट लिखी आज के बिग बॉस के वीकेंड के वार पे। जिस तरीके से अर्शी और रुबीना के बीच में झगड़ा हुआ और उसको भी ये क्लियर नहीं कर रहे थे, रुबीना की इतनी ज्यादा खिल्ली कभी नहीं उड़ी होगी किसी भी वीकेंड के बाद पे, जिस तरीके से इस वीकेंड के बाद पे उड़ी है, और उसने गलत किया भी है। अगर राखी को टारगेट कर रही थी निकी और जैस्मीन तो तुम भी तो साथ में बैठकर उनको समझा नहीं सकती थी। अभिनव जो पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे, जो बार बार बोलना चाह रहे थे, वो बात में कोई दम ही नहीं था। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो सिंपल सा मैं एक उपाय दे रहा हूँ सुन लो। अरे ये उपाय होता है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब होता है कि लोग यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी में भी समझदारी दिखाई नहीं देती है। जिन मुद्दों पे वो बता रहे हैं, जिन मुद्दों पे वो बहस कर रहे हैं, वो मुद्दे कहीं से भी मुझे लगता नहीं कि बहस करने लायक है। और जिस तरीके से अली और विकास का झगड़ा हुआ और अली ने इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें जो कहीं
विकास करता है तो करता है, उसका प्रेफरेंस है तो उसका प्रेफरेंस है, ठीक है, काम के लिए उसके पास पावर है, वो अपनी पावर को यूज करके आपको मैनिपुलेट करके कोई काम करवाना चाहता है, तो ये उसका व्यक्तित्व है। आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुम ऐसे हो तो तुम क्यों हो, तुम्हें हमारे जैसा, हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। विकास का वो काम करने का तरीका है, उसका अपना काम भी हो जाए, और आपको आपको अगर कॉम्प्रोम नहीं करना है तो मत कीजिए, आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर जिन लड़कों की वो बात कर रहा है, उसके पास फोटोज हैं, उसके पास ये है, तो उन लड़कों को उसने जबरदस्ती तो अपने पास नहीं बुलाया होगा, वो आए होंगे, उसने एग्री किया होगा, फोटो खिंचवाए होंगे, तभी तुम्हारे पास है। ऐसा तो नहीं है विकास ने आपको जबरदस्ती फोटो खींच लिए हैं या किसी और चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तो मुझे लगता है अली को नहीं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। मजबूरी आपकी भी होती है, मजबूरी उसकी भी होती है, अगर आप उसको खुश करना चाहते हो तो खुश करके काम ले लीजिए, नहीं तो दूसरी जगह काम मिल रहा है वहां चले जाइए। एक चैनल है, एक प्रोडक्शन हाउस है, और भी तो काम है और कर लीजिए। तो क्यों अपने आप को सिर्फ विकास के मुद्दों पे घसीटना है, या विकास को सही करने की आपने ठान ली है कि जिंदगी में आप सिर्फ विकास को ही सही करने आए हैं या उसके पीछे ही टारगेट होने आए हैं? तो ये कहीं ना कहीं मुझे अली गोनी का बहुत ज्यादा गलत रवैया लगा कि आप किसी के प्रेफरेंस के बारे में, किसी के सेक्सुअलिटी के बारे में, किसी के पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा स्पेस नहीं दे सकते। अगर आप नेशनल टीवी पे कुछ मुद्दों की बात करते हैं कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, हम ऑडियंस को क्या लगेगा कि आप कुछ बताना चाह रहे हैं या आप कुछ, आपके पास कुछ विकास का ऐसा रास है कि वो बाहर ना आ जाए? आपने तो हमारे मन में सस्पेंस कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है आपके पास राज नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो वाला हिसाब आप कर रहे थे सिर्फ टीआरपी पाने के लिए कि अरे विकास का कौन सा ऐसा राज होगा अली के पास, लेकिन बाद में कुछ होता नहीं है। तो इमेज किसकी गंदी हो रही है? अगर है तो बताओ, अगर इतना बता दिया है तो पूरा बता दो, क्या फर्क पड़ता है? इतना तो बता कि आपने हमारे मन में, हमारे दिमाग में तो तरह तरह के ख्वाब बुनना शुरू कर दिए कि विकास क्या क्या करता है, लेकिन आपको क्लियर तो ये करना है ना कि विकास एक्चुअली में क्या करता है, पूरा खुल के बोलिए ताकि हमें भी पता चले, नए आने वाले जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी पता चले कि विकास क्या करता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे अली की इतनी ज्यादा गंदी लगी जो कि उसने विकास के बारे में कही। खाने का जो मुद्दा हुआ विकास का, उसके ऊपर भी मुझे वो चीज इतनी गंदी लगी कि पूरा घर मिलके विकास को टारगेट कर रहा था। ठीक है, किसी के खाने के, किसी की डाइट को नहीं रोकना चाहिए, अगर कोई दो खाता है, तीन खाता है, चार खाता है तो वो खाता है। अगर हम भी देखते हैं, अगर हम पीजी में रहते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं तो घर में अगर चार लोग हैं, कोई एक बनाता है तो हम दो दो पराठे बनाते हैं या दो दो चीजें बनाते हैं सुबह के नाश्ते के लिए। ठीक है, किसी को ज्यादा खाना है तो वो खुद का बना सकता है, ठीक है, खुद का ला सकता है, तो उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप इक्वली बांट के देते हो तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप अपने फेवरेट को तीन या चार खिला रहे हो और बाकी को दो दो ट्रीट कर रहे हो तो वहां पे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, जो कि हमने देखा घर में, निकी तंबोली ने जो किया, राहुल वैद्य जो करते हैं, अली को ने जो करते हैं, रुबीना खुद कई बार हमने देखी कि चरती ही रहती है, और अभिनव शुक्ला भी कई बार खाते ही रहते हैं। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इनमें भरा हुआ है कि अपनों को हम ऐसे ट्रीट करेंगे, दूसरों को हम ऐसे ट्रीट करेंगे। यही चीजें हमने जब वीकेंड के वार के पहले दिन जब न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, ठीक है, उस दौरान जब कैप्टेंसी का टास्क, तो उस दौरान हमने अली को कहते सुना कि सोनाली का फेयरवेल है, सोनाली मैम का फेयरवेल है। उस चीज को बहुत ही चतुराई से इन्होंने ऐसे किया कि हमने किसी का नाम नहीं लिया था। भाई तुमने नाम क्लियरली लिया था अली गोनी, तो कैसे उस चीज से तुम मुकर सकते हो? और ऑडियंस को इतना ज्यादा बेवकूफ मत बनाओ कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऑडियंस को नहीं दिखाया होगा, ऑडियंस को दिखाया है और बहुत अच्छे अच्छे से दिखाया है, और तुम्हारी इमेज क्या बनती जा रही है ये भी बहुत अच्छे से पता है। तो आज पता नहीं मैं क्यों भड़ास निकाल रहा हूँ सबके ऊपर, बट मुझे कुछ चीजें जो घर के सदस्य हैं उनकी अच्छी नहीं लगी। हालांकि मेरे फेवरेट सदस्य वही थे, रुबीना, जैस्मिन, अली गोनी कभी मेरा फेवरेट नहीं रहा, फिर भी अभिनव वगैरह, लेकिन वो ही लोग जब इतने ज्यादा गलत चले गए
तो अब भी फेवरेट हम बनाएंगे इसको। राखी को इतना टारगेट किया, राखी वाकई ही टारगेट हुई है। मैंने आपको पूरे हफ्ते बोला है कि राखी ने इतना अच्छा कंटेंट दिया है और उतना ज्यादा उसको टारगेट किया है। विकास गुप्ता को टारगेट कर रहे हैं, विकास गुप्ता की पर्सनैलिटी, उसकी सेक्सुअलिटी, सब चीजों को लेकर टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे एतराज नहीं है, उसकी अपनी पसंद है, उसका अपना वे ऑफ होता ना कि काम करने का तरीका है, ठीक है ना, तो वो उस तरीके से काम कर रहा है। आपको नहीं मंजूर, आप मत करिए। उसके पास जो आएगा उसको वो ऑफर करेगा ना, तो आप मत जाइए उसके पास। इतना ही आपको सेफ लग रहा है तो मत जाइए। तो मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई गलत नहीं होता, और जिस तरीके से ये लोग करते हैं वो ज्यादा ही कुछ वल्गर बना देता है। जैसे कि जैस्मिन ने राखी के साथ किया, उसके नाक को लेके कमेंट, उसकी छाती को लेके कमेंट, वो सारी चीजें बेहद शर्मनाक थी। अपने टाइम पे वो कहती है मैंने अपने पैसे से करवाया है, तो राखी ने क्या बाहर से भीख मांग के करवाया है? उसने भी तो अपने पैसे से करवाया सारी चीजें। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे उन सब की बहुत ज्यादा अजीब लगी। और एजाज खान, वो तो कुछ अलग ही फट रहे हैं। निकी तंबोली, उसका तो अपना बिल ही दूसरों पे बांट देती है, तो उसका क्या कहें। उसको भी सुनने को काफी मिला जिस तरीके से देखा हमने शो में। तो खैर ये तो घर के सदस्य की बात रही। इसके साथ साथ ही सलमान ने अपनी फिल्म आने वाली जो कि उसी की प्रोडक्शन हाउस की है, कागज को प्रमोट किया। साथ में सनी लियोनी जो घर में आए हुए थी डॉक्टर बन के, उन्होंने भी थोड़ा बहुत फन क्रिएट करने की कोशिश तो की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और आज घर से कोई भी बेघर नहीं हुआ, क्योंकि सलमान ने ये कल पे छोड़ रखा है। यानी आज रात जो एपिसोड आएगा उस पे पता चलेगा कि घर से बाहर कौन होता है, क्योंकि आज के प्रोमो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कुछ कलर्स के ही चेहरे आएंगे, और वो जो घर से बेघर होगा उसको अपने साथ लेकर जाएंगे। लेट्स सी कौन बेघर होता है और कैसा जाता है ये हफ्ता, क्योंकि घर वालों को खूब सुनाया गया है सलमान के द्वारा। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि मैं आपको बिग बॉस की पूरी जर्नी बता सकूं कि किस दिन क्या क्या चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और एंड तक देखते हैं। थैंक यू, बाय।